हेलो फ्रेंड्स, रिद्धि सिद्धि किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे कुछ नया सा, आलू और मैदा से बनाएंगे नई सी रेसिपी जो छोटों और बड़ों को सबको पसंद आएगी और बनाने में भी बिल्कुल इजी है। इससे हम दो डिश बनाएंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसे बनाना। दो उबले हुए आलू ले लिए और उसको हम कद्दूकस कर लेंगे। इसको बिल्कुल बारीक कद्दूकस कर लेंगे ताकि इसमें कोई गुठले ना रहे। तो ये हमने कस लिया, इसको देखिए बारीक है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच डालेंगे इसमें बेसन। आप चाहे तो बेसन को स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें 1/2 चम्मच डालेंगे नमक और 2 बारीक कटी हुई डालेंगे हरी मिर्च और हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे और इसको आटे की तरह भिगो लेंगे। जैसे हम गेहूँ का आटा भिगोते ना, उस तरह से हम इसको अच्छे से मिला करके भिगो लेंगे। और ध्यान रहे, इसमें हम पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि आलू में जो नमी है ना, उसी से ये भीग जाएगा। और ये देखिए हमारा डो तैयार है। इसमें हम थोड़ा सा घी का हाथ लगा करके इसको रोल कर लेंगे और इसको थोड़ा पतला कर लेंगे। अब हम इसे चाकू से कट करके छोटे छोटे पीसीज कर लेंगे। आप इस तरह से इनको कट कर लें छोटे छोटे पीसीज में। अब इन पीसीज को थोड़ा सा टैप करके इनको शेप दे देंगे। अब हमने इनको शेप दे दी तो अब हम इसको फोक से थोड़ा सा प्रेस करेंगे। इसको ज़्यादा नहीं दबाएंगे, बस हल्के हल्के हाथों से इसमें डिजाइन से बना देंगे थोड़ा थोड़ा। इन सबको हमने तैयार कर लिया है। अब हम लेंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल और उसको गर्म होने देंगे। ये गर्म हो जाने के बाद इसको एक एक करके धीरे धीरे इसमें सभी को छोड़ देंगे और इसको लो फ्लेम पे हल्का सुनहरा होने तक सेक लेंगे और धीरे धीरे करके इसको हम पलट लेंगे और इनको थोड़ा क्रिस्पी होने देंगे। ये देखिए हो गए ना हमारे क्रिस्पी से। तो अब हम इसको तेल में से झार करके अच्छे से निकाल लेंगे। इनका तेल अच्छे से झार दे ताकि इनमें तेल ना रहे। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसे सुबह नाश्ते के साथ चाय से या फिर टमाटो केचप से खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी सी और क्रिस्पी सी लगती है। तो अब मैं इससे आपको दूसरी डिश और बनाना बताऊंगी, वो भी बहुत ही टेस्टी लगती है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो चलिए अब हम दूसरी रेसिपी इसके साथ में ही तैयार करते हैं। तो अब ले लेंगे हम एक प्लेट। अब ये हम इसमें लगा लेंगे और इसमें थोड़ा सा डालेंगे बिलो करके दही। आप दही को थोड़ा पतला कर लें, ज़्यादा गाढ़ा ना रखें। अब इसमें डालेंगे इमली वाली मीठी चटनी और ऊपर से डालेंगे इसमें हरी चटनी जो कि इसके स्वाद को दोगुना कर देगी। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज और ज़रा सी डालेंगे इसमें लाल मिर्च, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे इसमें नमक, थोड़ा सा डालेंगे इसमें चाट मसाला और थोड़ा सा डालेंगे भुना हुआ जीरा। और ये झटपट से तैयार है हमारे आलू मैदा वाले दही बड़े। खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी से है, आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।